गुड मॉर्निंग श्रोतागणों, तो स्वागत है आप सभी का। तो मौजूद हुए हैं सुबह की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों के सिलसिले को शुरू करें, आपसे निवेदन रहेगा कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो प्रस्तुत हैं आज सुबह की प्रमुख खबरें। हिमाचल में मोदी मैजिक के आगे बेकार हुआ कांग्रेस का हर बार सुखू सरकार सुरक्षित। हिमाचल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू चला और सरकार होने के बावजूद कांग्रेस भाजपा की हैट्रिक को नहीं रोक सकी। कांग्रेस की हताशा से भाजपा मिशन रिपीट में कामयाब हो गई। लोकसभा की चारों सीटें हारी कांग्रेस इससे संतुष्ट हो सकती है कि उसने विधानसभा उपचुनाव में 6 में से 4 सीटें जीत ली और सुखू सरकार सुरक्षित है। मतदाता ने केंद्र में मोदी व राज्य में सुखू की सरदारी को तवज्जो दी, लेकिन यह जनादेश भविष्य के लिए राज्य सरकार के आत्मविश्लेषण का विषय है। इसके अलावा राज्य की एक सीट के लिए हुए चुनाव के दौरान कांग्रेस के 6 विधायकों की बगावत से उठे तूफान के कारण लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की नैया ऐसी डगमगाई कि उसे अंत तक संभलने का मौका नहीं मिला। जब चुनाव लड़ने के लिए बड़े नेता ही तैयार नहीं हो रहे थे तो मैदान में जाने से पहले ही पार्टी के मनोबल को भांपा जा सकता था। आधी लड़ाई कांग्रेस तभी हार गई। मुख्यमंत्री सुखू समेत 9 मंत्री, 5 CPS नहीं बचा पाए अपने दुर्ग। लोकसभा चुनाव में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू सहित कैबिनेट मंत्री धनीराम शांडिल, चंद्र कुमार, हर्षवर्धन चौहान, अनिरुद्ध सिंह, विक्रमादित्य सिंह, राजेश धर्माणी और यादवेंद्र गोमा अपने दुर्ग नहीं बचा सके। इसके अलावा 5 मुख्य संसदीय सचिव आशीष बुटेल, किशोरीलाल राम कुमार, सुंदर सिंह ठाकुर और संजय अवस्थी भी लोकसभा चुनाव में अपने घरों से कांग्रेस प्रत्याशियों को लीड नहीं दिला सके। हालांकि उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, मंत्री जगत सिंह नेगी, रोहित ठाकुर और CPS मोहनलाल ब्राकटा ने ही अपने अपने क्षेत्र से लीड दिलाकर सरकार की लाज बचाई। मुख्यमंत्री के गृह विधानसभा क्षेत्र नादौन की बात करें तो भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर को 2,143 मतों की लीड मिली। मतगणना के 91वें राउंड में अनुराग ने यह बढ़त बनाई। उप मुख्यमंत्री मुकेश के गृह क्षेत्र हरोली से कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल रायजादा को 1,535 मतों की लीड मिली। मोदी मैजिक और जयराम के कुशल नेतृत्व से भाजपा का फिर से मंडी सीट पर कब्जा। लोकसभा चुनाव में देश भर में चर्चित रही मंडी की हॉट सीट पर एक बार फिर से भाजपा ने कब्जा कर लिया है। मोदी मैजिक और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के कुशल नेतृत्व के सहारे भाजपा सत्ताधारी कांग्रेस से यह सीट हथियाने में कामयाब रही। कांग्रेस को सरकार के 15 महीने के कार्यकाल में मंडी की अनदेखी करना भारी पड़ा। अनुभवी और बड़ा चेहरा उतारने के बावजूद कांग्रेस को मंडी सीट से हार का सामना करना पड़ा। बता दें कि वीरभद्र फैक्टर भी कांग्रेस के लिए मंडी में काम न आ सका। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस के हाथ से मंडी छिटककर अब भाजपा का मजबूत गढ़ बन गया है। कंगना के खाने पीने से लेकर पहनावे और मुंबई में रहने का मुद्दा मंडी में खूब उछलता रहा, जबकि PM नरेंद्र मोदी के सहारे छोटी काशी में भाजपा ने आगे बढ़ते हुए जीत की सीढ़ी चढ़ी। गबन का आरोपी, द्रेकड़ी का डाकपाल और भलेई का सब पोस्टमास्टर सस्पेंड, जाने पूरा मामला। चंबा जिला में शाखा डाकघर द्रेकड़ी में डाकपाल और भलेई सब पोस्टमास्टर को गबन के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया है। बीते माह डाक विभाग ने जांच बैठाई थी। इसमें दोनों पर बचत खातों और RD समेत सरकारी पैसा हड़पने के आरोप लगे हैं। शिकायत मिलने के बाद विभाग ने इस मामले में यह कार्रवाई की है। अब आंकड़ा जुटाया जा रहा है कि आरोपी डाकपाल और सब पोस्ट मास्टर ने कितने पैसों का गबन किया है। जांच के बाद ही विभाग मामले में आगामी कदम उठाएगा। उधर डाक विभाग चंबा के अधीक्षक भी 1-2 दिन के भीतर दोनों शाखा डाकघरों का निरीक्षण करेंगे। इस दौरान वह घोटाले के आरोपों की जांच करेंगे। यह भी पता लगाएंगे कि कितनी राशि का गड़बड़ जाला हुआ है। फिलहाल इन मामलों में विभागीय कार्रवाई की जा रही है। भारत का विभाजन और फेसबुक पर अपमानजनक पोस्ट डालने पर 2 केस।
लोकसभा चुनाव में सोशल मीडिया पर राहुल गांधी को भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार ठहराने सहित कांग्रेस पार्टी की छवि को धूमिल करने की पोस्ट डालने के मामले में शिमला पुलिस ने दो अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। भाजपा IT सेल नामक एक फेसबुक पेज पर कांग्रेस पार्टी के बारे में अपमानजनक पोस्ट डालने के भी आरोप लगे हैं। मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ झूठा बयान, प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाने और मानहानि की FIR दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। जांच टीम ने फेसबुक से अकाउंट होल्डरों का IP एड्रेस मांगा है ताकि फेसबुक यूजरों का नाम और पता चल सके। पुलिस अधिकारी का कहना है कि मामले की जांच जारी है। कांग्रेस के 4 विधायकों ने दल बदल का लांछन झेला, अब बैठना पड़ेगा घर। राज्यसभा चुनाव के बाद कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए 6 बागी विधायकों में से 4 उपचुनाव हार गए। दल बदल का लांछन झेलने पर इन पूर्व विधायकों को हार के बाद घर बैठना पड़ेगा। भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले 6 बागियों में से सिर्फ सुधीर शर्मा और इंद्रदत्त लखनपाल ही पार्टी की लाज बचाने में सफल रहे। सुधीर शर्मा ने धर्मशाला से कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र जग्गी और इंद्रदत्त लखनपाल ने बरसर से कांग्रेस के सुभाष को शिकस्त दी। वहीं बागी राजेंद्र राणा, रवि ठाकुर, चैतन्य शर्मा और देवेंद्र कुमार भुट्टो का कांग्रेस सरकार बनने के 15 महीने बाद ही दल बदलना जनता ने स्वीकार नहीं किया और उन्हें दोबारा से कुर्सी सौंपने से दूरी बनाई। उपचुनाव से और सुरक्षित हुई सुक्खू सरकार, बहुमत से 5 विधायक ज्यादा। सुक्खू सरकार विधानसभा उपचुनाव में 4 सीटें जीत जाने से और सुरक्षित हो गई है। चुनावी नतीजों ने हिमाचल में भाजपा का ऑपरेशन लोटस फेल कर दिया, क्योंकि भाजपा 6 में से 2 सीटें ही जीत पाई है। कांग्रेस का विधानसभा में संख्या बल अब 38 पहुंच गया है, वहीं भाजपा के 25 की जगह 27 विधायक हो गए हैं। नतीजे आने से अन पहले 3 निर्दलीय विधायकों के भी इस्तीफे मंजूर कर लिए गए। इससे विधानसभा 68 के बजाय 65 सदस्यों की रह गई है, यानी वर्तमान में कांग्रेस के बहुमत से 5 विधायक ज्यादा होंगे। प्रदेश में कल हट जाएगी आचार संहिता, जल्द शुरू होंगी रुकी भर्तियां। चुनाव नतीजों के साथ पिछले कल लंबे चुनावी दौर का भी समापन हो गया। हिमाचल में चुनाव आयोग द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार 6 जून को चुनाव आचार संहिता भी खत्म हो रही है। अब इसके एकदम बाद राज्य सरकार को रुके हुए कामों पर ध्यान देना होगा। मुख्यमंत्री जल्द ही इसके लिए कैबिनेट की बैठक भी बुला सकते हैं। चुनाव के कारण हिमाचल में जहां एक तरफ सरकारी विभागों में भर्तियां रुक गई थी, वहीं अन्य विकास कार्य अभी रुके पड़े हैं। शिक्षा विभाग में JBT और TGT की बैच वाइज भर्ती फंसी पड़ी है। आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर की नियुक्तियां लंबित हैं। इसी तरह वेटनरी फार्मासिस्ट में भी नियुक्तियां होनी है। शिक्षा विभाग में प्री नर्सरी टीचर का मामला कैबिनेट से ओके होना है। वन मित्र भर्ती को लेकर सरकार कोर्ट में लड़ रही है। चुनाव आचार संहिता के कारण वो कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी भी रेगुलर नहीं हो पाए हैं, जिनकी अनुबंध अवधि के 2 साल पूरे हो गए हैं। इन्हें अब अपनी रेगुलराइजेशन का इंतजार है। तो ये रहा सुबह की प्रमुख खबरों का विश्लेषण। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।